समय देते थे उससे ज्यादा समय दे दो, तो आप फिर उसको अवसर में बदल देते हैं। जी, अब जेल से आने के बाद आपकी जो भूमिका दिख रही है, लगातार आप सक्रिय हैं, अपने लोगों से मिल रहे हैं, इलाकों में जा रहे हैं, अपनी भूमिका आप कैसे देखते हैं अभी जबकि अरविंद केजरीवाल अभी जेल में? देखिए, पार्टी में मेरी भूमिका लार्जली पार्टी के लीडर्स के साथ डिस्कस करके तय होती रही है। लीडर्स तय करते हैं, माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी तय करते हैं, तो अभी पार्टी के लीडर्स के साथ डिस्कस करके मेरी एक भूमिका तय हुई है कि मैं गली गली में लोगों के बीच में जाऊं। कार्यकर्ताओं ने मुझे बुलाया है कि आइए हम आपके साथ में लोगों के बीच चलते हैं, हमारे साथ लोगों के बीच चलिए, तो मैं अलग अलग विधानसभाओं में जाके दिल्ली की जनता के बीच में जाऊंगा, पदयात्राएं करूंगा, लोगों से मिलूंगा। मुझे लगता है एक पॉलिटिकल लीडर के लिए ये बड़ा सुखद होता है कि वो लोगों के बीच जाए, उसी से उसको एनर्जी मिलती है, उसी से उसको और काम करने की प्रेरणा मिलती है। तो मैं लोगों के बीच जाऊंगा और अब मैं उम्मीद करता हूं कि सीएम साहब भी जल्दी बाहर आ जाएंगे। लेकिन इससे पहले के समय में जब आप जाते रहे लोगों के बीच में, आपके पास एक पद था, दायित्व था, जो अगर काम कराना होगा आप खुद आके कर सकते थे, लेकिन अभी आप डिप्टी सीएम नहीं है, तो आने वाले समय में जब तक सीएम नहीं है, क्या आपको लगता है कि फिर से उस पद पे जाना चाहिए? नहीं, काम करने के लिए नहीं, देखिए काम करने के लिए तो सरकार तो काम कर रही है और सरकार अच्छा काम कर रही है। मुझे नहीं लगता कि लोगों के बीच में जाने के लिए पद चाहिए, लोगों के बीच में जाने के लिए लोगों से प्रेम चाहिए। और मैं कह सकता हूं कि पिछले 17 महीने में मेरे हृदय में, मेरे मन में और प्रेम बढ़ा है अपने दिल्ली के लोगों के प्रति, देश के लोगों के प्रति। तो लोगों के बीच में जाने के लिए तो केवल और केवल प्रेम का रिश्ता चाहिए। कोई पद के रिश्ते से लोग नहीं मिलते, प्रेम के रिश्ते से मिलते हैं, और वो प्रेम है और वो बढ़ा है। आप चाहते हैं फिर से वो जिम्मेदारी संभालना? नहीं नहीं, मेरी कोई ऐसी चाहत नहीं है, मेरी कोई चाहत नहीं है कि मैं सरकार में रहूं, मेरी कोई ऐसी चाहत नहीं है मैं किसी पद पर रहूं। मेरी एक ही चाहत है कि